रातों रात रईस होने के रास्ते ढूंढे जाते हैं। नौजवान ख्वाब भी तो देखते हैं दुनिया बदलने का, साइकोलॉजिकली जो चीजें हमें थ्रिल देती है, बजाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर पोजीशनें जमाएं, रोजाना हमारी आंखें मजीद खुल सकती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। उमर, आजकल की जो यूथ है, जो हमारे यूट्यूबर्स कॉन्टेंट बना रहे हैं, जो नेटफ्लिक्स के ऊपर मैं आजकल सीरीज आते हुए देख रहा हूँ जो बड़ी मशहूर हो रही हैं, उसमें फ्रॉड, शॉर्टकट, रातों रात रईस होने के रास्ते ढूंढे जाते हैं, लोगों को कॉन करने के तरीके ढूंढे जाते हैं, किस तरह एक अच्छा कॉन आर्टिस्ट बन सकता है, किस तरह एक अच्छा फ्रॉडिया बन सकता है, किस तरह रातों रात वो अरबपति, करोड़पति, लखपति बन सकता है, इसको सही कैसे करें उमर, इस प्रॉब्लम से हम निजात किस तरह पाएं? निजात तो बिल्कुल नहीं पा सकते, और जो एक एक्सट्रीम की आप बात करें उसी तरफ दूसरी एक्सट्रीम भी तो खुल गई है ना। आजकल आप देखें ना, नौजवान ख्वाब भी तो देखते हैं दुनिया बदलने का, अरब डॉलर का कारोबार लगाने का, और उसके भी आपको कंटेंट मिलता है, एग्जांपल्स मिलती है, लेकिन हमारी जो नफ्सियात है ना वो वायर्ड है टूवर्ड्स नेगेटिविटी, वो वायर्ड है टूवर्ड्स फाइंडिंग थ्रेड्स, और यही वजह है कि जो आपको पता है हम कहते हैं ना साइकोलॉजिकली जो चीजें हमें थ्रिल देती हैं, यानी क्राइम करना और दूसरों को बेवकूफ बनाना, कुछ ऐसा करना कि बगैर मेहनत के बहुत कुछ मुमकिन हो जाए, तो ये इंसान के लिए हमेशा से फैसिनेटिंग एडवेंचर रहा है, और आपको पुराने दौरों में भी ऐसी कहानियां मिलेंगी। सोशल मीडिया के दौर में, नेटफ्लिक्स के जमाने में ऑफकोर्स ये कहानियां बहुत आम है, और आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने डेमोक्रेटाइज कर दिया है, यानी हम आम लोगों के पास ऐसा कंटेंट अवेलेबल है जो कि माजी में बिल्कुल अवेलेबल नहीं होता था, तो जरूर ये बहुत लोगों को गेयर अप कर रहा है, एक डायरेक्शन की तरफ डाल रहा है जिस तरफ कोई भी माशरा नहीं चाहता कि लोग जाएं, जिसमें ड्रग्स शामिल हैं, जिसमें रॉबरीज शामिल हैं, यू नो ऑल द थिंग्स दैट यू हाइलाइटेड। नाउ व्हाट डू वी डू? देखिए, हम सब ने मिलके बजाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर पोजीशनें जमाएं और जो छोटे मोटे हमारे तसव्वुरात है ना कि मुझे क्या मिल जाता है, मैं कहां जीत जाता हूं, इस एडवेंचर को जो हम दुनिया में एक दूसरे के साथ मौजूद है इसको हसीन बनाना है। अपने चैलेंजेस हम सिर्फ एक दूसरे के साथ मिलके अपनी आंखें खोल के और एड्रेस करके हल कर सकते हैं। सो पाकिस्तान, हमारे पास ये चॉइस है, आप और मैं चाहें तो अगले 75 साल भी ऐसे आंखें बंद रखें, और आप और मैं चाहें तो अगले 75 साल रोजाना हमारी आंखें मजीद खुल सकती हैं, हम ज्यादा क्लियरली देख सकते हैं। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा, अहम खबर है, बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।